आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे दो बजट स्मार्टफोन का, यानी कि दोस्तों Realme C3 और Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन का। दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और दोनों स्मार्टफोन के प्राइस हमें अंडर 7K देखने को मिलते हैं, यानी कि दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है और आपको कौन सा स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहिए, चाहे वो गेमिंग के पर्पज से हो, कैमरे के पर्पज से हो या पावर बैकअप के पर्पज से हो। तो दोस्तों अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हो तो दोस्तों बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपकी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें डुअल रियर कैमरे का सेटअप मिलता है। दोनों मोबाइल फोन पर हमें प्लास्टिक बैक यानी कि पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिल जाएगा। और अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन की। दोस्तों ये स्मार्टफोन 6.22 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है, जहां में वाटर ड्रॉप नोच मिलती है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों अगर हम Realme C3 स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और इस मोबाइल फोन पर भी हमें वाटर ड्रॉप नोच और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें वाटर ड्रॉप नोच और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन को देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों एक बड़ी डिस्प्ले हमें Realme C3 स्मार्टफोन पर मिलती है कंपेयर टू Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन के, क्योंकि दोस्तों 6.5 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले Realme C3 स्मार्टफोन पर दी गई है। तो फाइनली दोस्तों आप कंपैरिजन करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर का। तो दोस्तों दोनों मोबाइल फोन के प्रोसेसर में हमें काफी बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। दोस्तों Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन पर हमें Qualcomm Snapdragon 439 का SoC मिलता है, जहां हमें Adreno 505 का GPU मिलता है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें अलग अलग रैम वेरियंट्स में मिलता है, जैसे 2GB 32GB स्टोरेज और 3GB 32GB स्टोरेज। वहीं दोस्तों अगर हम Realme C3 स्मार्टफोन की बात करें तो ऐसे में दोस्तों Realme C3 स्मार्टफोन पर हमें MediaTek का एक लेटेस्ट चिपसेट मिलता है, यानी कि MediaTek Helio G70 का चिपसेट मिलता है, जहां हमें Mali G72 का GPU भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें 3GB RAM + 32GB स्टोरेज और 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के रैम वेरियंट्स के साथ मिलेगा। अच्छी बात यह कि दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन MicroSD कार्ड के डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें आप दो सिम कार्ड और एक MicroSD कार्ड भी यूज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से Realme C3 स्मार्टफोन प्रोसेसर यानी कि दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया स्मार्टफोन हो, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन एक लेटेस्ट Helio G70 के चिपसेट के साथ आता है। और दोस्तों Snapdragon 439 से हमें इतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं ले सकते जितने कि हम Realme C3 स्मार्टफोन से ले सकते हो। अगर दोस्तों आप एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हैं वो भी बजट रेंज के अंदर, तो ऐसे में दोस्तों बेहिचक होकर आप Realme C3 स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो फाइनली दोस्तों आप कंपैरिजन करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे का। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के रियर साइड पर हमें डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है। अगर हम Redmi 8A डुअल की बात करें तो ये स्मार्टफोन 13MP + 2MP के डुअल रियर कैमरे के साथ आता है, जो हमें 8MP का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। वहीं Realme C3 स्मार्टफोन पर हमें 12MP + 2MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है और 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यानी कि दोस्तों कैमरे के हिसाब से बात करें तो दोनों स्मार्टफोन अच्छे कैमरे के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों एक अच्छा सेल्फी कैमरा मेरे हिसाब से Redmi 8A डुअल पर देखने को, हालांकि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन पर हमें अच्छे कैमरे तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन पर हमें सेल्फी कैमरा बेटर देखने को मिल जाता है कंपेयर टू Realme C3 स्मार्टफोन। तो फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की। तो दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन पर हमें 18W की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट मिलेगा, जो हमें Realme C3 स्मार्टफोन पर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, Realme C3 स्मार्टफोन पर हमें टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन पर हमें खुद ही कस्टम UI देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों Realme C3 स्मार्टफोन पर हमें Android 10 देखने को मिलता है और Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन पर हमें Android 9 का सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन है। अगर दोस्तों हम प्राइसिंग की बात करें तो Realme C3 स्मार्टफोन का प्राइस 6999 रुपये से स्टार्ट होते हैं, जहां 3GB RAM + 32GB स्टोरेज मिलता है, और Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन के प्राइस यानी कि 2GB RAM + 32GB स्टोरेज के प्राइस हमें 6499 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों अब सीधी बात करते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। तो दोस्तों मैं अगर साफ साफ शब्दों में बताऊं तो आपके लिए Realme C3 स्मार्टफोन एक बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि दोस्तों Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन पर हमें कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। हम सोचते थे कि दोस्तों Redmi 8A डुअल स्मार्टफोन पर अब की बार हमें Realme C3 स्मार्टफोन से
तक बेस्ट स्पेसिफिकेशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना है तो आप रियलमी C3 स्मार्टफोन की तरफ बेहिचक होकर जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च किया गया है। तो अगर दोस्तों आपके वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।